हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के साथ इस वीडियो को लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी कई एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और जिससे मुझे बेहद ही सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने एक फिर से नया प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है जिसका नाम है बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा आप सभी को पता है कि सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का आउटपुट दिखाऊंगा, उसके बाद लाइन वाइज लाइन इस प्रोजेक्ट को समझाऊंगा, जिससे आप लोग इसको देख करके आराम से अपना कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पाइथन की चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल का रिवीजन अपलोड कर रहा हूं मैं एक एक करके, तो प्लीज आप लोग उनको जरूर देखें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो सबसे पहले यहां पे इस टाइप से आएगा, ये पूरा आउटपुट का डिजाइन है। यहां पे ये जो प्रोजेक्ट है विशाल यादव नाम के स्टूडेंट से मेरी हेल्प लेकर के इसको बनाया है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाता है कि आपको एक दबाना है एडमिन के लिए, दो दबाना है कस्टमर के लिए और तीन प्रेस करना है एग्जिट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एडमिन में जाते हैं, तो हम यहां पे वन प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने यहां पे वन प्रेस करा तो उसने हमसे यूजर नेम पूछा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजर नेम मैंने कोई भी डिसाइड नहीं करा है, लेकिन पासवर्ड मैंने 1234 डिसाइड करा है, यानी इसमें सेट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड डाल रहा हूं। अगर मैं इनकरेक्ट पासवर्ड डालूंगा तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड। तो अभी फिलहाल मैं ठीक पासवर्ड डालता हूं। जैसे ही मैंने 1234 डाला, यहां पर मेरा एडमिन से लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब यहां पे दोस्तों एडमिन पैनल के हिसाब से एडमिन आइटम को अपनी शॉप में, जो शॉप के आइटम है क्योंकि बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, वो अपने आइटम्स को ऐड कर सकता है। अगर वो वन प्रेस करे, टू प्रेस करे तो वो लिस्ट देख सकता है मैंने कौन कौन सी लिस्ट जो है, यानी आइटम्स जो हैं अपनी लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। तीन से वो किसी भी आइटम की कॉस्ट को अपडेट कर सकता है। चार से वो जो शॉप के अंदर जो केक की वैरायटीज हैं उनको भी वो ऐड कर सकता है। पांच से वो पूरे वर्कर्स को ऐड कर सकता है। छह से वो पूरी वर्कर की लिस्ट को देख सकता है और सात से वो वर्कर की सैलरी को अपडेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारे काम जो है वो एडमिन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं कि हमारे पास कौन कौन से आइटम है। मैंने यहाँ पे प्रेस टू करा। जैसे ही मैंने टू प्रेस करा तो दोस्तों मेरे सामने हमारी शॉप में जो जो आइटम थे उनकी लिस्ट खुलकर आ गई। केक है, पेस्ट्री है, मिल्क है, बटर है, चीज है और जलेबी है। तो मुझे आप लोग कमेंट पे जरूर बताइए इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है। यानी आप दो से लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद वो फिर से कह रहा है कि अब आप फिर से चूज करिए एडमिन है या कस्टमर है, किसके बिहाफ पे आप जो है वो यहां लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे वन प्रेस करता हूं एडमिन से, फिर से मैं यूजर नेम देता हूं, उसके बाद पासवर्ड देता हूं। अब मैं यहां पर कोई भी एक आइटम जो है वो ऐड करूंगा, तो उसके लिए मैंने वन प्रेस करा और इस बार मैं सीरियल नंबर सपोज देता हूं मैं यहां 7। उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट में मैं यहां पे डालता हूं सपोज डोसा। यहां पे मैंने डोसा डाल दिया और उसके बाद इसकी कॉस्ट मैंने लिखी 60 रुपीज। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा जो आइटम है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब मैं अपना चेक करूं कि मेरा आइटम ऐड हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों ये मैंने फंक्शन ज़रूर इसमें लगाया है, क्यों? क्योंकि बार बार जो है अगर वो कस्टमर के बिहाफ पे भी रन करना चाहें तो यहाँ से वो कर सकता है। तो देखो दोस्तों मैंने टू प्रेस करा, टू प्रेस करने के बाद यहाँ आप देखो आइटम जो है मेरा जो लिस्ट है उसमें ऐड हो गया। तो इतने सारे फंक्शंस जो हैं वो एक एडमिन कर सकता है। एक एक करके मैं फंक्शन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। आप इसके फंक्शन से समझ गए होंगे, यानी मेरे एक्सप्लेनेशन से समझ गए होंगे कि एडमिन का पैनल जो है वो क्या क्या काम कर सकता है इस प्रोजेक्ट की मदद से। अब मैं यहाँ पे टू प्रेस करूंगा यहाँ कस्टमर, एज अ कस्टमर। तो यहाँ पे एंटर योर चॉइस, यहाँ दोस्त मैं टू प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं एज अ कस्टमर इसमें काम कर रहा हूँ, यानी कस्टमर बन करके मैं इस प्रोजेक्ट को चला रहा हूँ। तो सबसे पहले यूजर नेम मैंने लिखा अंकित, उसके बाद यहाँ पे इसका कोई पासवर्ड नहीं है, तो फोन नंबर सपोज मैंने डाल दिया 123। जब मैंने यहाँ करा तो मैं सबसे पहले एक दबाऊंगा तो सारे मेन्यू देख सकता हूँ, और अगर मैं दो दबाऊंगा तो अपना ऑर्डर को मैं दे सकता हूं। तो मैं दो प्रेस कर रहा हूं, ऑर्डर देना है मुझे, मैंने दो प्रेस करा। तो यहां पे वो हमसे कह रहा है कि आप बताओ आपको क्या क्या चाहिए। दोस्तों यहां पे ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, मैंने कुछ चेक करने के लिए प्रिंट करा था,
तो उसको इसको आप कंसीडर मत करिएगा। तो यहाँ पे केक है, पेस्ट्री है, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, जलेबी है और डोसा है। अब बताओ मुझे भाई क्या चीज़ लेना है। तो इनमें से जो मेरा फेवरेट है वो डोसा है, तो मैं सबसे पहले डोसा को जो है खरीदूंगा। तो उसके लिए मुझे आइटम नंबर डालना होगा यानी सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ। जैसे ही मैंने 7 लिखा तो क्वांटिटी वो पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैंने कहा मैं एक ही हूँ तो मुझे एक ही डोसा चाहिए। और दोस्तों देखो डोसा जो है वो 60 रुपए का है, तो यहाँ पे मेरा पूरा बिल प्रिपेयर होकर आ गया। यहाँ ये रहा कि जो डोसा का जो अमाउंट है वो 60 रुपए है। उसके बाद हमारा बिल ये आ गया कि कस्टमर नेम में अंकित आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर 123, क्वांटिटी मैंने एक ली है और टोटल अमाउंट बैठा मेरा 60। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो है वो बिल प्रिपेयर हो गया। अब वो फिर से वो चूज़ कर रहा है आइटम, तो मैं इस बार कुछ और ख़रीदता हूँ। तो मैंने 2 प्रेस करा, उसके बाद हमने अपना नेम डाला। सपोज़ मैंने अपना नाम अंकित डाला, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर 123 डाला। अब मैं कुछ और जो है ख़रीदूँगा, तो इस बार मैं ख़रीदता हूँ केक। तो केक के लिए मैं बन प्रेस करूंगा। बन प्रेस करने के बाद अब केक के अंदर भी उसके कई सारे फ्लेवर्स आ गए कि किस टाइप का केक चाहिए, तो मैं चॉकलेटी केक को पसंद करूंगा। मैंने 2 प्रेस करा और दोस्तों जैसे ही मैंने 2 प्रेस करा वो क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मैंने 2 ले लेता हूँ। तो दोस्तों एक जो है वो 50 रुपए का है, तो 2 जो हो गए वो 100 रुपए के हो गए यानी 100 रुपीज के हो गए। तो इस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट पूरा काम करेगा। अब मैं इसकी फंक्शन और इसके जो प्रोग्रामिंग है वो आपको सिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं प्रोग्रामिंग में आ चुका हूँ, पूरी प्रोग्रामिंग आपको लाइन बाई लाइन समझाने वाला हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, उसके साथ साथ MySQL भी इंस्टॉल होना चाहिए और MySQL कनेक्टर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी तो MySQL और पाइथन की कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमेंट पे लिखा है बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद इस लाइन से मैंने SQL कनेक्टर को इंपोर्ट करा है, फिर यहाँ से इस लाइन से मैंने जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करा है। तो दोस्तों ये जो है ये जो कौन नाम का जो मैंने लिया है ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो इससे मेरा कनेक्शन जो है वो क्रिएट होगा। और यहाँ पर ये आपके जो सिस्टम की चीज़ है, यूज़र जो है वो रूट है, और पासवर्ड ये आपके MySQL का पासवर्ड है। जो आपके MySQL में पासवर्ड होता है वो यहाँ पे है, मेरे MySQL का पासवर्ड 12345 है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। अगर आपके SQL का पासवर्ड कुछ और है तो वो वहाँ एज अ दिस आप टाइप कर दीजिए, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या काम करा, यहाँ पे मैंने एक कर्जर का भी ऑब्जेक्ट बनाया जो CUR नाम से है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टेबल्स को क्रिएट करना शुरू करा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा डेटाबेस है वो आइटम्स है, और उसके बाद मैं कई एक टेबल्स पे काम करूँगा। एक टेबल मैं CS नाम की बनाऊँगा, एक टेबल मैं वैरायटी नाम की बनाऊँगा, और एक टेबल मैं वर्कर नाम्स की बनाऊँगा। तो इस तरीके से मेरा इस प्रोजेक्ट में ये 3-4 टेबल्स हैं, बारी बारी से मैं आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मैंने अपना डेटाबेस को क्रिएट करा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट करी, कर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस इफ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा जो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है पहले से, तब ये जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो, यानी आइटम नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाए। उसके बाद आइटम को मैं यूज करूंगा जैसे हम MySQL में करते हैं, सेम वही काम करना है, बस थोड़े से लिखने के तरीके और सिंटेक्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग SQL में काम नहीं कर रहे हो, आप लोग पाइथन में काम कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद अब मैं सबसे पहले एक CS नाम की टेबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट CS। इफ नॉट एग्जिस्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपके जब आप 10 बार इसको रन कराओगे तो 10 बार CS का जो टेबल है वो क्रिएट नहीं होगी ना। क्यों आप 10 बार उसको क्रिएट करोगे, इससे बढ़िया केवल एक ही बार क्रिएट कर दो। इसलिए मैंने लिखा है इफ नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर वो पहले से CS नाम की टेबल नहीं है डाटाबेस में तब क्रिएट हो, अगर हो तो ये चीज क्रिएट बार बार ना हो। तो यहाँ पे मैंने 3 फील्ड लिए हैं जिसमें एक सीरियल नंबर है, एक प्रोडक्ट्स है और एक कॉस्ट है। इनके मैंने बारी बारी से जो डेटा टाइप है वो भी लिख रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या काम करा है, यहाँ पर मैंने अपनी जो टेबल है उसको मैंने फेच कराया है, पूरा शो कराया है, यानी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी टेबल में 5 आइटम जो है वो अपनी तरफ से यानी बाय डिफॉल्ट डालूंगा।
है ना, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट कोई रन करेगा तो बार बार वो आइटम को ऐड करेगा, तो ये भी चीज ठीक नहीं है भाई। बेकरी की दुकान है, कुछ ना कुछ तो बाई डिफॉल्ट उसकी दुकान में होगा। तो मैंने यहाँ पे 5 आइटम ले रखे हैं, वो कौन कौन से हैं, केक है, पेस्ट्री है, मिल्क है, बटर है, चीज है। बाकी आपको जितने भी आइटम ऐड करना है आप बाद में कोडिंग की मदद से, जो इसमें दे रखी है कोडिंग, उसकी मदद से आप ऐड भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त मैंने 5 बाई डिफॉल्ट आइटम दिए, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने छोटी सी कोडिंग लिखी। ऐसा मैंने इसीलिए करा क्यों, क्योंकि अगर सपोज आप पहली बार रन कराएंगे तो ये आराम से ऐड हो जाएंगे, लेकिन जब दूसरी बार रन कराएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने ये कोडिंग लिखी है जिससे आप दोबारा भी जब प्रोजेक्ट को रन कराएं तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए सबसे पहले मैंने दोस्त ये RES नाम के वेरिएबल में मैंने पूरा जो उसका डेटा है, किसका, CS टेबल का, जिसमें हमारे सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट्स हैं और उसकी कॉस्ट है, इसको फैच करा लिया। और मैंने देखा कि अगर RES यानी जो मेरा जो डेटा है वो एम्प्टी है, एम्प्टी है इसका मतलब टेबल जस्ट अभी अभी क्रिएट हुई है, तो क्या हो, जो बाई डिफॉल्ट वाले मेरे आइटम्स हैं वो ऐड हो जाएं। तो यहां पर दोस्तों ये सारे के सारे मैंने पांचों के पांचों अपने आइटम जो हैं वो ऐड करा लिए। इसी तरीके से एक मैंने BIP नाम की टेबल बनाई, और BIP नाम की टेबल में मैंने क्या करा है दोस्तों, मैंने जो केक के फ्लेवर्स हैं अलग अलग, वो मैंने बाई डिफॉल्ट दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या काम करा, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने अपनी एक नई टेबल बनाई BIP नाम से, जिसमें मैंने सीरियल नंबर दिया है और वेराइटीज दी हैं। वेराइटीज मेरी एक फील्ड का नाम है जो कि केक की वेराइटीज है। जैसे आपने जब देखा ना मैंने रन कराया तो वेनिला आ रहा था, स्ट्रॉबेरी आ रहा था, चॉकलेट आ रहा था, इस टाइप से। तो फिर यहाँ सेम वही काम करा है, यहाँ पे भी मैंने RES में पूरी टेबल ले ली है। अगर RES एम्प्टी है इसका मतलब अभी टेबल नहीं बनी है, यानी टेबल बन गई उसमें कोई डाटा नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट डाल दी। अब दोस्त मैंने एक फिर नई टेबल क्रिएट करी यहाँ पे वर्कर नाम की, जो कि वर्कर का रिकॉर्ड रखेगी, और यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट 4 वर्कर और ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक वर्कर नाम की टेबल बनाई है जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम और सैलरी केवल 3 ही फील्ड ली हैं। तो यहाँ पे सेम वही चीज मैंने बाई डिफॉल्ट 4 वर्कर भी इसमें ऐड करा दिए हैं, मुकेश, राम, सुरेश, राजू। आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से कौन मुकेश, राम, राजू और सुरेश, कोई देख तो नहीं रहा इस प्रोजेक्ट की वीडियो को। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपनी 3 टेबल पे काम करा। और हाँ, यहाँ पे मैंने डेट और टाइम का जो मॉड्यूल है वो भी इम्पोर्ट करा दिया। क्यों, क्योंकि जब भी मैं बिल प्रिंट कराता हूँ तो वहाँ पे डेट और टाइम भी आ रही है, इसलिए मैंने इस मॉड्यूल को यूज करा है, तो यहाँ इम्पोर्ट करा। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, यानी एक तरीके से जो हम आउटपुट जो देख रहे थे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में वो आया, ठीक है। ये हमने पूरी कोडिंग अपने जो आउटपुट को सजाने के लिए करती है। अगर आप लोग इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहां से हमारी असली कोडिंग शुरू हुई, यानी अब तक जितना भी आपने पढ़ा ये आपने सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करा SQL से। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपने डेटाबेस को क्रिएट करा, उसके बाद उसको यूज करा, उसके बाद आप जो जो टेबल्स अपनी यूज कर रहे हैं उनको आपने एज अ दिस यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और अगर कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू उन टेबल में डलवाना चाह रहे हैं तो यहाँ आपने उन कोडिंग से उन टेबल्स में वैल्यू को ऐड कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, तो दोस्त यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पे आपने CH नाम का एक वेरिएबल लिया जो बिल्कुल ब्लैंक है, उसके बाद आपने वाइल का लूप चलाया कि जब तक CH में वैल्यू हमारी n नहीं पड़ जाती है तब तक ये लूप कंटिन्यू करेगा। यानी लास्ट में वो पूछता है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो वाई प्रेस करिए, अदरवाइज एन प्रेस करिए, यानी नो। तो यानी अगर वो एन प्रेस करे तभी ये लूप रुक जाए, यानी हमारा काम यहाँ पे, हमारा प्रोजेक्ट काम करना बंद कर दे। तो यहाँ पे वाइल का लूप चलाया, उसके बाद यहाँ हमने लॉग इन करा लिया कि साहब अगर आप 1 दबा रहे हैं तो आप एडमिन से लॉग इन कर रहे हैं, 2 दबा रहे हैं तो कस्टमर से लॉग इन कर रहे हैं, और 3 दबा रहे हैं तो आप एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने ऊपर 3 की ही कर दी कि अगर वो 3 दबा रहा है तो यानी वो एग्जिट होना चाह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाए। चॉइस में मैंने इनपुट करवाया था 1 2 3 को। अब दोस्त अगर वो 1 प्रेस कर रहा है यानी वो एडमिन पैनल से वो लॉग इन करना चाह रहा है, तो इफ चॉइस इक्वल इक्वल 1 तो क्या हो, सबसे पहले एडमिन एडमिन नाम के वेरिएबल में यूजर नेम इनपुट हो जाएगा,
उसके बाद पासवर्ड नाम के वेरिएबल में पासवर्ड इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट हो गया। अब दोस्त हमको मैच भी तो करना है कि एडमिन जो है वो उसने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम को कुछ भी सेट नहीं करा है, मैंने पासवर्ड को सिर्फ सेट कर दिया है 1234। अगर वो 1234 पासवर्ड इनपुट करता है, इसका मतलब उसने करेक्ट पासवर्ड इनपुट करा है और फिर वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो उसका पासवर्ड 1234 है, तुरंत लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मेरे सारे वही प्रिंट के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे जो जो एडमिन काम करना चाहता है। यानी अगर वो एक दबाए तो आइटम ऐड हो, दो दबाए तो आइटम्स शो हो, इस तरीके से सारी लिस्ट प्रिपेयर यानी खुल जाए। अब ये जो चॉइस है 1 2 3 4 5 6 7 की, ये मैंने सी नाम के वेरिएबल में इनपुट कराई। अगर वो सी प्रेस करे तो क्या हो, यानी सी में अगर वो 1 प्रेस करे तो दोस्त हमारा क्या हो, आइटम ऐड हो। तो आइटम ऐड होने के लिए मैंने एक नया फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम है ऐड। तो यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन करा है मैंने, तो def, आपको पता है कि def यूज करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए। तो यहाँ पे def add, उसके बाद यहाँ सबसे पहले मैंने तीनों चीज पढ़वा ली, क्योंकि हमारी टेबल में तीन ही फील्ड है, सीरियल नंबर की, उसके बाद प्रोडक्ट की और उसके बाद उसकी कॉस्ट की। तो यहाँ दोस्त मैंने तीनों इनपुट करा लिए। SNO में सीरियल नंबर इनपुट कराया, प्रोडक्ट 1 में मैंने प्रोडक्ट का नाम इनपुट कराया, और कॉस्ट में दोस्त मैंने कॉस्ट इनपुट कराई उस प्रोडक्ट की। उसके बाद यहाँ पे मैंने D1 नाम के एक नए वेरिएबल में SNO, प्रोडक्ट 1 और कॉस्ट, ये तीनों जो है वो असाइन करा ली हैं, यानी एज अ टपल। उसके बाद S1 में मैंने क्वेरी लिखी है इंसर्ट इंटू CS वैल्यूज परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, तीन वैल्यूज जो हैं वो आएंगी कहाँ से, D1 से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये परसेंटेज 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 लिखा है। उसके बाद यहाँ पे अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया है S1, D1, यानी जब ये वाली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंसर्ट इनटू CS वैल्यूज, और ये वाली जो D1 से जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ से हमारी फैच होकर आएंगी। तो इस तरीके से हमारा आइटम जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पे यही लिखा है प्रिंट आइटम ऐड सक्सेसफुली। और दोस्त यहाँ पे डेफिनेशन जहाँ पे शुरू हुई है और वहां पे लास्ट में मैंने क्या काम करा, अपने इस फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो टू प्रेस करे elif, यानी टू प्रेस करे, तो टू प्रेस करने में क्या है, आइटम को वो देख सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से आइटम्स मेरी लिस्ट में ऐड हैं। तो यहाँ पे अगर वो दो प्रेस कर रहा है तो क्या हो, यहाँ पे प्रिंट आइटम इन द शॉप। उसके बाद फिर दोस्त यहाँ से मैंने अपनी पूरी टेबल से जो प्रोडक्ट, सॉरी जो CS नाम की जो टेबल थी, जो मेन टेबल थी जिसमें सारे प्रोडक्ट की लिस्ट थी, उसको पूरा ही मैंने फेच कर लिया। कैसे करा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SQL equals to select asterisk from CS, ऐसे तो क्वेरी यूज करते हो जब आपको पूरी टेबल का डाटा फेच करना हो, select asterisk from और उसके बाद टेबल का नेम। तो यहाँ पे वही काम करा है। उसके बाद इस जो कर्जर से हमने क्या काम करा, एग्जीक्यूट करा दिया अपने SQL वाले क्वेरी को। उसके बाद यहाँ पे फेच ऑल से हमने क्या काम करा, सारा का सारा जो डेटा है वो RES में हमने फेच करा लिया। दोस्तों मैंने इन सब चीज़ों को मेरे पहले जो प्रोजेक्ट की वीडियोस हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है कि कौन से फंक्शन का क्या काम है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो आप इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट की वीडियोस को ज़रूर देख लो, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या काम करा, RES में पूरे डेटा को फैच करा लिया, और यहाँ पे विदाउट प्रिटी टेबल, मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में प्रिटी टेबल का यूज़ नहीं करा, और यहाँ पे इस वाली लाइन की कोडिंग से मैंने अपना पूरा जो डेटा है उसको मैंने शो करा लिया, ठीक है। और उसके बाद जो आइटम को मैंने जो डिफाइन करा था यहाँ पर, उसको मैंने कॉल भी करा लिया। अगर वो 3 प्रेस कर रहा है तो 3 प्रेस करने में क्या है दोस्तों, अगर जब वो 3 प्रेस करेगा तो वो कॉस्ट को अपडेट कर सकता है किसी भी आइटम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक मनी नाम से क्या काम करा है, फंक्शन बनाया है। तो मनी नाम के फंक्शन को यहाँ डिफाइन करा है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर इनपुट कराया, उसके बाद मैंने नई कॉस्ट इनपुट कराई, ठीक है, जिसको वो बदल के दूसरा फिट करना चाह रहा है। तो ये नई कॉस्ट के लिए मैंने एन कॉस्ट का एक नया वेरिएबल लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपडेट करा दिया, अपडेट क्वेरी का यूज करके मैंने लिखा है अपडेट CS, CS मेरी टेबल का नाम है, तो अपडेट CS सेट कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस एन कॉस्ट, यानी जो जो पुरानी वाली कॉस्ट हो
ठीक है, उसमें वो कॉस्ट जो हो वो जुड़ जाए यानी अपडेट हो जाए, इस तरीके से हमारा जो कॉस्ट है वो अपडेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी टेबल जो अपडेट हो गई, उसके बाद हमने पूरे टेबल को जो है वो प्रिंट भी करा लिया है। अब सपोज हम वैरायटी की बात कर रहे हैं, अगर हमको वैरायटी ऐड करनी है तो सेम वही चीज़ है, जिस तरीके से हमने क्या काम करा, आइटम को ऐड करा, उसी तरीके से हमने अपनी वैरायटी को ऐड करा। ये वैरायटी जो है वो केक से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो चार दबा रहा है तो वो वैरायटी नाम का फंक्शन जो है वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर डाला ये, और वैरायटी डाला। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो वीआईपी मेरी जो टेबल थी जो कि वैरायटी से रिलेटेड है, उसमें सारा डाटा को मैंने क्या काम करा दिया, इंसर्ट करा दिया, और उसके बाद यहाँ पे वो सेम एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, अगर वो पांच इनपुट कर रहा है तो क्या है, अगर वो पांच इनपुट कर रहा है तो दोस्त यहाँ पे क्या है, वर्कर्स को वो ऐड कर रहा है किसमें, अपनी शॉप में। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, जैसे हमने आइटम को ऐड करा वैसे ही हम यहाँ वर्कर को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, ईएमपी और सैलरी, ये तीनों मैंने इनपुट करा लिए, जिसमें एक में सीरियल नंबर है, एक में नेम है और एक में सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कमांड की मदद से मैंने क्या काम करा, वैल्यूज को ऐड करा दिया, किस टेबल में, वर्कर नाम की टेबल में जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट करी थी। तो दोस्त इस तरीके से हमने पांच दबाया और हमने हमारा क्या हुआ, वर्कर भी ऐड हो गए। और छह दबाने से क्या होगा, छह दबाने से हमारे पूरी वर्कर की लिस्ट दिख जाएगी कि हमने कितने वर्कर ऑलरेडी अपने शॉप में ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे अगर वो छह दबा रहा है तो पूरा वर्कर वाली टेबल से हमारा डेटा जो है वो फेच हो जाए। तो यहाँ पे वही है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वर्कर, हमने पूरी वर्कर वाली टेबल से पूरे के पूरे डेटा को हमने क्या काम कराया दोस्त, फेच करा लिया इस कोडिंग की सहायता से। अब हम सात दबा रहे हैं तो क्या हो, हम क्या काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी को अपडेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या फिर सैलरी घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त जैसे हमने क्या काम करा था, आइटम की कॉस्ट को अपडेट करा था, उसी तरीके से यहाँ पे सैलरी को भी हम क्या काम कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया है सैलरी इंक्रीज के लिए और दो दिया है डिक्रीज के लिए। हालांकि हमेशा सैलरी जो है इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती, बहुत ही कम केस में, बहुत रेयर केस में सैलरी जो है वो डिक्रीज होती है। तो यदि वो वन प्रेस कर रहा है तो सैलरी हमारी इंक्रीज हो रही है, और टू प्रेस कर रहा है तो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त मैंने नेम इनपुट करा लिया है, उसके बाद नई सैलरी इनपुट करा ली है जो कि हमारी किसकी है, जो हमारी वर्कर से रिलेटेड है। उसके बाद हमने क्या काम करा, एस आई जी नाम के वेरिएबल में हमने चॉइस इनपुट करा ली, या तो वो एक दबाएगा या वो दो दबाएगा। अगर वो एक दबाएगा तो यहाँ पे उसकी सैलरी जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ दोस्त मैं इसकी भी कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। तो सी यू आर डॉट एग्जीक्यूट, सी यू आर मेरा ऑब्जेक्ट है कर्जर का। तो यहाँ पे दोस्त आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, इतनी कोडिंग्स है हमारी, क्या हुई, सैलरी जो है वो अपडेट हो जाएगी अगर वो वन प्रेस कर रहा है तो। और इसी तरीके से अगर वो टू प्रेस करेगा तो फिर क्या होगा, तो उसकी सैलरी भी यहाँ इस कोडिंग की सहायता से अपडेट हो जाएगी। और दोस्त यहाँ पे हमने क्या काम करा, अपडेशन करने के बाद यहाँ पे उसकी जो सैलरी वाली जो टेबल है वर्कर की, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पूरी एज इट इज प्रिंट कर दी। और ये वाला जो फंक्शन था वो यूपी नाम से हमने फंक्शन बनाया था, ठीक, और यहाँ पे हमने यूपी को भी कॉल कर दिया। तो दोस्तों ये तो था हमारा किसका, ये था हमारा एडमिन पैनल से रिलेटेड सारे वर्क फंक्शंस। अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 में नहीं कुछ प्रेस कर रहा है, कुछ और प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट होके, सॉरी यू हैव एंटर द रॉन्ग इनपुट, इनपुट फ्रॉम 1 to 4। तो उस लास्ट में मैंने फंक्शंस बढ़ा दिए थे, पहले यहाँ पे चार फंक्शन थे, अब यहाँ पे सात फंक्शन या छह फंक्शन है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे अगर वो गलत पासवर्ड डालता है तो एल्स का और स्टेटमेंट दे दिया कि भैया आपने जो है वो गलत पासवर्ड डाला है, तो ये जो है वो रॉन्ग पासवर्ड करके है। तो दोस्त अगर उसने वन प्रेस करा तो एडमिन पैनल में वो घुसा, अगर वो टू प्रेस कर रहा है तो वो एज अ कस्टमर ट्रीट होगा। तो यहाँ पे अगर वो टू प्रेस करेगा, ईलिफ में टू प्रेस कर रहा है, तो वो एज अ कस्टमर में, यानी वो है हमारे प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसका नेम और उसका जो फोन नंबर है वो इनपुट कराया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया कि अगर वो वन प्रेस करे तो मेन्यू देख सकता है, अगर वो टू प्रेस करे तो फिर वो क्या देख सकता है, वो आइटम
को ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसकी जो चॉइस है वो सी में इनपुट कराई है। अगर वो सी में वन प्रेस कर रहा है यानी वो पूरी लिस्ट देखना चाह रहा है, तो दोस्त यहाँ पे आइटम्स नाम के फंक्शंस के द्वारा मैंने पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ शो कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वो वन प्रेस करेगा तो वो पूरी लिस्ट देखेगा, कैसे देखेगा, वो पूरी फैच करा लेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कई बार कर चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पे उसकी कोडिंग है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सी एस, क्योंकि सी एस जो है वो मेरी मेन टेबल है, उसी में सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो ऐड हैं। तो यहाँ पे दोस्त वन प्रेस कर रहा है तो पूरा डेटा हमारा शो होगा। अगर सपोज वो टू प्रेस कर रहा है यहाँ पे, तब वो ऑर्डर दे सकता है। तो जैसे ही अगर वो टू प्रेस कर रहा है तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, अपना पूरा डेटा उसको दिखा दिया। ठीक है कि भाई देख ले ये पूरा डेटा है, अब तू बता कि तुझको ऑर्डर क्या करना है। ऑर्डर वो करेगा वो सीरियल नंबर के हिसाब से करेगा, इसको जो चीज़ चाहिए उसी का वो सीरियल नंबर डालेगा। तो यहाँ पे दोस्त इतनी जो कोडिंग है इससे हमारा डेटा शो हो रहा है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ। तो अब जैसे सबसे पहले ये मैंने फालतू का स्पेस दे दिया, मैं यहाँ कम करता हूँ। डेटा शो होने के बाद यहाँ पे वो एक और सी एस से केवल और केवल वो क्या काम करेगा, वो पूरा डेटा उठा लेगा सी एस वाली टेबल से। उसके बाद वो वहाँ से क्या कैप्चर करेगा, वो वहाँ से उसको चाहिए सीरियल नंबर। सपोज जैसे हमारी लिस्ट है, लिस्ट में हमारे 7 आइटम ऐड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये उसके सीरियल नंबर है। ठीक है, और किसी ने कोई जो यूज़र है उसने कस्टमर बनके उसने सपोज सीरियल नंबर किसी का 10 डाल दिया, तो यहाँ पे वो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 सीरियल नंबर है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, सारे सीरियल नंबर हम लोग फैच कर ले रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से सीरियल नंबर हैं, क्योंकि हम फिर चेक कर सकें कि यूज़र ने जो सीरियल नंबर डाला है वो हमारी आइटम वाली लिस्ट में सीरियल नंबर है या नहीं है। पता चला उसमें सीरियल नंबर ही नहीं है और यूजर ने सीरियल नंबर डाल दिया और हमने ऑर्डर भी दे मारा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या काम करा, यहाँ से सारा जो डेटा का जो सीरियल नंबर है वो हमने फैच करा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस वाली कोडिंग से यहाँ से यहाँ तक हमने सारा डेटा जो है वो फैच करा लिया और एल में सीरियल नंबर उसको अपेंड कर दिया। तो दोस्त जो प्रिंट जो आ रहे थे वो इस लाइन से आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब यहाँ से वो जो सारा जो सीरियल नंबर है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया डी में। डी में दोस्त हमने क्या काम करा, अब यूजर से पूछा कि भैया तुमको कौन सा आइटम चाहिए और उसका आपको सीरियल नंबर आप यहाँ डी में डाल दीजिए। तो यहाँ पे डी से मैंने इनपुट करा लिया। अब अगर डी में वन है तो दोस्त वन में हमें पता है कि क्या पड़ा हुआ है, केक पड़ा हुआ है, क्योंकि 5 जो आइटम है वो वाई डिफॉल्ट मैंने अपनी टेबल में पहले से ही एड कर दिए हैं। अगर डी में वन है यानी आइटम नाम का एक नया मैंने फंक्शंस बनाया और यहाँ पे वो केक वांट करना चाह रहा है, क्योंकि मुझे पता है 1 सीरियल पे केक है। तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से कोडिंग करी है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने विच केक डू यू वांट। अब भाई केक की भी तो मैंने कई एक वैरायटी दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने उससे पूछ लिया कि बता भैया तुम्हें कौन सा केक चाहिए। तो ये जो केक जो उसको चाहिए वो मैंने फैच करा लिया। कहाँ से? सबसे पहले मैंने बीआईपी वाली टेबल से। बीआईपी वाली टेबल में पूरी वैरायटी है किसकी, केक की। तो यहाँ पे केएल नाम के वेरिएबल में मैंने क्या काम करा लिया, फैच करा लिया। फैच कराने के बाद दोस्त क्या हुआ, यहाँ से मैंने जो है अब इसको पूरे का पूरा वैरायटी से लेकर के यहाँ तक यानी फॉर का लूप चला करके मैंने जो है उसको दिखा भी दी कि ये वैरायटी है। उसके बाद अब वैरायटी में से वो चूज करेगा, तो सी के नाम के वेरिएबल में उसने क्या काम करा, वैरायटी से भी चूजिंग कर दी। अगर अब देखो 1 पे उसने वैनिला डाल रखा है, ठीक, तो यहाँ पे कई एक इफ स्टेटमेंट मैंने यूज करे हैं कि अगर वो 1 प्रेस कर रहा है तो वो वैनिला केक होगा। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वैनिला केक डू यू वांट, वैनिला केक की कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो वो क्वांटिटी QTY में हो गई। उसके बाद दोस्त मैंने क्या काम करा, यहाँ पे उसका जो बिल है वो क्या काम करा है, प्रिंट कराया। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखो यहाँ उसका बिल प्रिंट करा दिया। क्या काम करा, यहाँ से उसका नाम फैच करा, फ़ोन नंबर फैच करा और क्वांटिटी फैच करी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये जो कोडिंग आप देख पा रहे हो इसमें उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, यानी जो सी है आई नाम जो आई टू यानी टू इंडेक्स पे दोस्त क्या हो गई, 0 से शुरू होगी, 0 पे सीरियल नंबर होगा, दूसरे पे उसका नाम होगा और तीसरे पे क्या होगा, उसकी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे दोस्त हमने क्या काम करा, उसकी कॉस्ट जो है उसको सी में हमने ले लिया, उसके बाद क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कॉस्ट से कर दी। तो इस तरीके से दोस्त हमारा क्या हुआ, बिल प्रिंट हो गया
और बिल प्रिंट होने के बाद यहाँ पे दोस्त डेट टाइम डॉट नाउ यानी जो हमारे करंट डेट है वो यहाँ से हमने प्रिंट कर ली। अगर सपोज वो दो प्रिंट करा रहा है तो वो चॉकलेट केक लेना चाह रहा है, तो बाकी यहाँ पे सी इक्वल इक्वल टू है, तो दोस्त सेम कोडिंग है, पहले वाले में हमारी कौन सी थी वनीला थी, दूसरे वाले में हमारी चॉकलेट केक हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये दोस्त हमने पूरा जो है वो प्रिंट करा लिया अपना विल। अगर वो तीन प्रेस करा रहा है यानी वो कौन सा केक चाह रहा है, वो अब स्ट्रॉबेरी केक चाह रहा है। अगर वो तीन दबा रहा है तो स्ट्रॉबेरी केक का सेम वही पूरा का पूरा हमने कोडिंग जो है वो कॉपी पेस्ट कर दी है, लेकिन बस थोड़ा सा केक का जो एक तरीके से जो फ्लेवर है वो चेंज हो गया है। दोस्तों मोस्टली होता भी तो यही है, सपोज वो तो हम दुकान वाले हमको बेवकूफ बनाते हैं, अगर सपोज उसको चाहिए कि साहब वनीला केक तो उसमें थोड़ा सा वनीला का फ्लेवर डाल दिया, लेकिन बाकी जो कंटेंट है वो तो सेम रहेगा। सेम वही चीज़ तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में करी है, कोडिंग सेम रखी है, बस थोड़ी थोड़ी जो वनीला है चॉकलेट है इन सबको चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, तीन दबाया उसने, उसने स्ट्रॉबेरी को केक को ऑर्डर करना चाह रहा है वो, तो यहाँ पे सेम वही कोडिंग है, और दोस्त हमने क्या काम करा, इसका भी बिल प्रिंट कर दिया। अगर वो चार प्रेस करे तो उसको साफ बटर स्कॉच वाला केक चाहिए, तो सेम चीज वही है, अगर वो चार प्रेस कर रहा है तो बटर स्कॉच केक उसके पास आ जाए। तो दोस्त ये इस तरीके से हमने क्या काम करा, ऊपर वाली सेम जैसी ही कोडिंग से बटर स्कॉच का जो है वो बिल प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहें तो ये सब भी ना कर सकते हैं, अपनी कोडिंग को हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा, आपको एयरफोन की लीड लगाकर एक एक लाइन बाई लाइन समझना होगा कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे सपोज ये तो निपटा केक का, अब बात आ रही है पेस्ट्री की, क्योंकि दो पे जो है वो पेस्ट्री है, अगर वो दो प्रेस कर रहा है तो उसका मतलब उसको पेस्ट्री चाहिए। तो दोस्त अगर जैसे उसने दो प्रेस करा तो सेम वही चीज़ है कि उसमें सबसे पहले मैंने चॉइस पूछी, ठीक है, यानी चॉइस का मतलब कितनी उसको पेस्ट्री चाहिए, ये यहाँ पे चॉइस की जगह दोस्त क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त हमारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया, और सेम ऊपर वाले की ही तरह हमने क्या काम करा, पेस्ट्री का हमने क्या यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे उसकी क्वांटिटी निकलवा ली, सॉरी कॉस्ट निकलवा ली सी में, उसके बाद यहाँ पे जो पेस्ट्री की मल्टीप्लाई जो है यानी क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी जो है यहाँ पे पी ए एस टी नाम के वेरिएबल में आ रही है, तो पी ए एस टी यानी क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ कॉस्ट से कर दी, तो वो हमारा टोटल अमाउंट हो गया। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा उसका बिल प्रिंट हो गया। सपोज अगर वो तीन प्रेस कर रहा है तो तीन पे मिल्क है, ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस की जगह दोस्त क्वांटिटी है, ध्यान रखना, तो तीन क्वांटिटी आ गई एम एल के में। उसके बाद दोस्त हमने क्या काम करा, यहाँ पे सी में उसकी कॉस्ट निकलवा ली मिल्क की, ठीक है, फैच कर ली अपनी लिस्ट से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेम वही प्रोसेस से हमने क्या काम करा, बिल प्रिंट करा दिया। अगर वो चार प्रेस कर रहा है ऑर्डर, वो ऑर्डर में चार नंबर पे क्या है दोस्त, वो है बटर है, तो सेम वही चीज़ है, उसने बटर को कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसकी कॉस्ट निकाली, उसके बाद उसका बिल प्रिंट कर दिया सेम वही कोडिंग के हिसाब से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अगर वो पांच दबा रहा है तो पांच पे दोस्त हमारे पास क्या है, चीज है, तो सेम वही चीज यानी पांच अगर उसने दबाया तो कैसे कैसे चीज हमारी जो है वो ऑर्डर होगी, सेम ऊपर वाले फंक्शंस की तरह। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक अलग है, ठीक है, क्योंकि अब जो वो ऑर्डर करेगा वो उसका ऑर्डर करेगा जो एडमिन ने बाद में ऐड करा है, ठीक है। जैसे पांच तक तो था, जैसे मैंने डोसा ऐड करा तो डोसा एडमिन ने बाद में ही तो ऐड करा है, तो यहाँ पे अब यूज हुआ हमारा उस लिस्ट का जो हमने ऊपर एल नाम से बनाई थी, तो यहाँ पे लिखा है इलिफ डी इन एल, डी में दोस्त वो चॉइस होगी जो उसको चाहिए, यानी उसका सीरियल नंबर किसका, आइटम्स का। तो अगर डी जो है वो एल में है, और एल में हमारा क्या चीज है, एल में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने हर एक आइटम के सीरियल नंबर जो है वो फैच करा लिए हैं, क्यों कराए हैं, ताकि हमको पता चले कि यूजर जो वो दे रहा है सीरियल नंबर वो हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं है। पता चला हमारे सीरियल नंबर है केवल आठ तक हमारा आइटम है, और यूजर ने सीरियल नंबर डाल दिया 12, अब ऐसा होगा ही नहीं, तो फिर हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इलिफ डी इन एल, यहाँ पे उसकी हमने क्वांटिटी इनपुट कराई, कोई भी आइटम सही ये मुझे नहीं पता यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्त QTY में उसकी क्वांटिटी हमने इनपुट कराई, और उसके बाद फिर दोस्त उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या काम करा, पूरा बिल प्रिंट करा दिया, जैसे हम ऊपर के फंक्शंस में बिल प्रिंट करते थे। उसके बाद यहाँ पे हमने थैंक यू भी बोल दिया, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग योर बिल।
अगर ऐसा नहीं है तो उसने रॉन्ग इनपुट दिया है, और उसके बाद दोस्त हमने क्या काम करा, रॉन्ग पासवर्ड का यहाँ भी एक मैसेज दे रखा है। उसके बाद सी एच में हमने क्या काम करा, डू यू वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू, वाई और एन, अगर एन है तो तुरंत क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। एन यहाँ पे दोस्त मैं यहाँ एन और लिखता हूँ, कैपिटल एन, तो दोस्त ये है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक चीज़ और मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैंने टर्म वाइज पाइथन की ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं, जो आपके बहुत ही टर्म टू में जो रिविज़न के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट है पूरी, उसका लिंक दे रखा है। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।